Faju is sad because you're sad, see. That's why he's been waking up since 6 o'clock, you know. Why? He must have sensed you're sad, no? Yeah. I wasn't sad from 6 o'clock, I was sad from 7 o'clock. We are back to our regular days, regular breakfast. Hey, brother, this is a packet of chili flakes. How many chili flakes are there? Paja, you don't want num-num? चलो आई जस्ट कॉल ऑल माय रिलेटिव्स सबको विश तो कर देती हूँ व्हाट्स अप हेलो हाउ आर यू हाय ईद मुबारक हमारा शिरकुरमा खराब हो गया कैसे खराब होता है अपने आप ही खराब होता है बोल के थोड़ा खराब होता है अरे कोई भी एक ड्राई फ्रूट खट्टा होता है फिर उसके बाद पूरा 7 लीटर वेस्ट मम्मी तो रोए भी सुबह कबरीना अभी बना रही है तो होपफुली कुछ तो पीने मिलेगा सुबह से थोड़े दो तीन दिन से काट रहे थे बादाम पिस्ता बहुत मेहनत लगती है वही ना अच्छा ईद मुबारक मम्मा का रिकनेक्ट हो रहा है ईद मुबारक आज ना सच्ची में बहुत ज्यादा हसल वाला दिन होने वाला है बिकॉज इट्स लाइक 10:30 लेट उठी हूँ ना तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा टू मैच अप विद माई स्केड्यूल बिकॉज लाइक 4 o'clock वी आर प्लानिंग टू लीव फॉर 4 बजे निकलना है ना सबीना के घर के लिए तो उससे पहले आई शुड बी एबल टू फिनिश अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट आई हैव प्लान्ड एक्चुअली मैं सोच रही थी थोड़ा हेयर मास्क कर लेती हूँ ओलाप्लेक्स बच्चा है मेरा हर 15 दिन में ओलाप्लेक्स करने भूल जाती हूँ कहाँ रखी हूँ ओलाप्लेक्स रूम में ही होगा आई थिंक ओलाप्लेक्स करने हर 15 दिन में फॉलो अप करना होता है आई थिंक लास्ट अभी मैंने 20 डेज पहले किया था 20 डेज से ज़्यादा ही हो गया होगा तो आई ट्राई टू कीप अप बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल अ रिव्यू कि वो मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं इफ़ यू कैन सी आधी बॉटल मैंने ख़त्म की है आधी बची भी है तो एक बार पूरा ख़त्म कर लूँ ना देन आई लेट यू नो कि हाउ इट्स वर्किंग फॉर मी सो फुल मेकअप का सेटअप आई हैव मेड रेडी टू फिल्म एंड थोड़े से ब्रशेस को धोना बचा था तो आई जस्ट वॉश दोज आई ब्रशेज एंड करंटली आई लुक लाइक दिस बिकॉज आई हैव डन अ फेस मास्क एंड आई हैव पुट ओलाप्लेक्स ऑन माई हेयर तो अच्छे से नहा धो लेती हूँ और उसके बाद आई ब्लो ड्राई माई हेयर मेक माई सेल्फ रेडी टू फिल्म होपफुली टिल देन माई फैमिली विल फिनिश लंच एंड गो इन द रूम टू स्लीप बिकॉज अभी वो लोग टीवी देख रहे हैं तो बहुत आवाज में ऑफकोर्स आई कांट फिल्म ये है वो शिरकुरमा जो मम्मी ने इतनी मेहनत से बनाए थे डोंट डाउट माई मदर्स कलरी स्किल्स आर गाइज माई मदर इज एन अमेजिंग कुक ओके शी ऑलवेज मेक्स द बेस्ट फूड एवर क्या बन रहा है वैसे यस बिरयानी अमेजिंग फूड चिकन या मटन पूर्णिमा को नहीं दे सकती फिर या बट दिस इज नॉट माई मदर्स फॉल्ट दिस इज द दूध का फॉल्ट ओके है ना मम्मी मार ओके मम्मी सुनो 11:15 हो रहा है तो अब मेरे को नहा के बाल ब्लो ड्राई करने के लिए और सेटअप करने के लिए 1 घंटा लगेगा 12:30 तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ तुम लोग शांति रखोगे हॉल में पक्का प्रॉमिस और कितने बजे निकलना है 4 o'clock. Dahi is good for you. Finish it. Alright, time to get ready to film. Aajkal pata nahi mujhe bahut kantala aa raha hai videos record karne. Aaj ka kal I keep postponing. Na to inspiration hai na motivation hai na kuch naya main khareed sakti hu try karne ke liye. Maine baal waise blow dry kar diye but fir bhi ek baar straightener ghuma dungi baal se because bahut humidity hai bahut frizz ho gaya baal mein. Aur nha do ke I had done face mask to thoda skin pe thoda sa glow aaya hai and I washed my face after the mask with this. This is the Dermaweave Hydra cleanser. This is what I use. It's my daily cleanser. It's literally the best because it's very good for sensitive skin. और अभी इतनी गर्मी में इतनी humidity में skin का pH level balance करना बहुत जरूरी है. So this just does that for me. और फिर उसके बाद I take this. This is my Nutriderm Vitamin E Moisturizing Lotion. बहुत ही थोड़ा सा लेती हूँ मैं गर्मी में ज़्यादा नहीं लेती. और इसे अच्छे से अपने हाथों के बीच में massage करके
Skin, so it's great that way. So for my legs, I'm gonna go ahead and use this. This is my Dermaviv moisturizing lotion. कल ही मैंने अपने legs shave किए हैं and my skin has been feeling super dry. I don't know कैसा type का weather है. Like खुजली हो रही है वैसा वाला dry. इसलिए पूरा दिन I'm only using this moisturizer. That's why you can see how much I've finished. Like थोड़ा सा ही बचा है and you can see what a difference it makes. Like it just hydrates your skin so well. 2 hours later. So I just got done filming my Eid get ready with me. It's 2:45. I just have one more hour to film my outfit of Eid, which is a collab video I'm doing with a lot of YouTubers. So I have to do that well. And I wanted to film some short videos as well. अभी एक घंटे में जितना हो सकता है I will try my best. Because मुझे एडिट करके भी ये वीडियो आज ही डालना है. ईद डेज आर यूजुअली द मोस्ट हेक्टिक फॉर मी कंटेंट वाइज बिकॉज़ आई ट्राई टू पुट माय ईद वीडियो ऑन दैट वेरी डे इटसेल्फ व्हिच इज ऑफ कोर्स टायरिंग. आई एम वेरी एग्जॉस्टेड एंड वेरी वेरी हंग्री. अब तक मैंने खाना नहीं खाया तो सबसे पहले आई एम गोना ईट माय लंच एंड देन वी विल हसल विद द रेस्ट ऑफ द कंटेंट. फाइनली गेटिंग अ न्यू बैच ऑफ शिरकुरमा व्हिच वाज लॉन्ग ओवरड्यू. ऑलराइट, लेट्स टेस्ट. माय मदर मेक्स द बेस्ट शिरकुरमा ever. So good. We don't have a lot now because she only made like a small batch. I'm gonna eat this to the fullest. All right, I've done my entire setup in the hall right now because we are filming here in Shirina's You're not homeless, you stay baju mein, they know you have a home. So listen. I keep saying you're my neighbor and we are filming here because there's more space to move in the hall for fashion content. So it's gonna be a very hilarious piece of content, but it has all the YouTubers, so you'll enjoy it nevertheless. It's a quarantined outfit. Quarantine mein kuch bhi pehen sakte. Correct, Shireen? Yeah. She's come to help me because bahut Eid. Wow. See? We are making toast for everything. Exactly. This is the new normal. Let's start recording. Oh god. This is how I'm celebrating my Eid. Wiping. Things you gotta do. Cleaning the plant. Make the plant look pretty. Looking pretty alone isn't enough. Exactly. Oh, I think it's enough. You know, it doesn't look so dirty. मतलब इतना कुछ ज़्यादा difference नहीं लग रहा है. At least on camera. ऐसे नज़दीक से देखेंगे तो पता चलता है. Look at how dirty it is. Of course, it is dirty. I'm not saying it's not, but it's smelling my bathroom. अच्छा. Hi. Hi. 2 hours later. The aftermath of filming the Eid outfit video, it looks pretty bad, not gonna lie. And Fajr has made a mess niche. Baki ka bhi pura mess chal raha hai. So abhi I need to go change for the naming ceremony. Alright, you guys, we are ready. This is what I'm wearing. I'm gonna upload a YouTube shorts on this, and we are going getting late for the naming ceremony. Let's go. Light jalane ka kya abhi? Chalo. Bye bye Fajju, you're not invited, okay? You ready to see the name? Because you can't see the person, so you'll only get to see the name. Are you ready for the name reveal? Ishan. There are so many names in this one name. Hi. There is no better joy than coming home to a house that is clean, spick and span and so tidy. Because मैं जो हालत में घर छोड़ के गई थी ना सब shoot वूट wind up करने के बाद, like मेरी हालत बहुत, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई, इसलिए I tried my best to edit as well and I could not. Like at the dinner, I think 1-1.5 hour I was editing and mask पहन के my makeup was rubbed off my nose as well. But I came home to such a clean room. Chotu did such a fab job. Like he just cleaned up everything. और इतना साफ सुथरे घर में आने का ना अलग ही मजा आता है. मम्मी क्या लेके जा रही हो?
शिकासा का पर्स. ओ बाय द वे दिस इज द आउटफिट दैट आई वाज वेयरिंग. आई डेफिनेटली स्टाइल्ड इट अप. ये बहुत ही पुरानी स्कर्ट है. अगर आपको याद है मेरे फर्स्ट ईद गेट रेडी विद मी वीडियो अगर आपने देखा होगा, सो दिस वाज अ स्कर्ट दैट आई हैड विद अ ब्लू ब्लाउज इन दैट. ये मैंने मतलब स्टिच करवाई थी एंड दिस इज अ ज़ारा ब्रालेट एंड देन आई स्टाइल्ड दिस दुपट्टा एज अ जैकेट. सो वेरी क्विक स्टाइलिंग वी डिड. ऐसा पिन अप करके आई वोर इट एज अ जैकेट एंड देन सिंच्ड इट अप विद दिस बेल्ट ओवर हियर जो मैंने बांद्रा हिल रोड से बहुत पहले खरीदा था. तो मैं YouTube शॉर्ट्स डालूंगी मेरे आउटफिट का, तो देख लेना. आई एम श्योर फ्रॉम द थंबनेल यू अंडरस्टूड दैट आई एम डूइंग अ गिव अवे फॉर टुडेस वीडियो. आई एम फाइनली डूइंग द 100K गिव अवे. आई वांटेड टू डू समथिंग सुपर स्पेशल एंड इंटीमेट एंड फॉर दैट आई हैव कोलैबोरेटेड विद गोल्ड ट्री गिफ्ट्स. दे हैव मेड अ कस्टम पैकेज फॉर अ स्पेशल सारा स्क्वाड मेंबर हु विंस द 100K गिव अवे. यू गेट अ स्पेशल मग विद हैशटैग सारा स्क्वाड रिटन ऑन इट. यू ऑल्सो गेट अ कैंडल एंड सम मोर गुडीज इन दैट बॉक्स एंड द रूल्स आर सुपर सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन on right next to it, follow me on Instagram and also follow Gold Tree Gifts on Instagram and leave a comment down below with your email address or Instagram ID and in 1 week from today I will pin the comment that wins the giveaway. All the very best and I hope you all had a very happy and blessed Eid. I will see you in my next video. Bye guys, love you.